हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट 2022 ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए आपको कैसे काउंसलिंग करनी है। एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि ऑफिशियली ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग कराता है, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने आज जैसा कि आपको वादा किया था आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो फाइनली आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सही से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग करिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड वन, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड वन पर क्लिक करना है। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, पीडीएफ से, जो कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराने वाला हूँ, एक रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहेगी, एक रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको हर प्रॉब्लम पर मैं आपका साथ देने वाला हूं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन राउंड वन पर क्लिक करना है। पूरी स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग, सभी की अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड वन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स नेक्स्ट टैब ओपन होगी। यहां से आपको केवल न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आएगा और इंटरफेस आने के बाद यहां पर आपको सभी कुछ पढ़ लेना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको नीट यूजी रोल नंबर, जो आपका नीट का रोल नंबर था, वो यहाँ पर मेंशन करना है। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ मेंशन करना है। कैंडिडेट नेम, आपका क्या नाम है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। मदर नेम, आपकी माताजी का क्या नाम है। ध्यान रहे कि माताजी के नाम में आपको कुछ भी मिसेज वगैरह नहीं लगाना है, केवल अपना सिंपल नेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करनी है, जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाल रखी है। उसके बाद जो कैप्चा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, वो कैप्चा यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है, जो आपको यहाँ पर डालना है, और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखिएगा फ्रेंड्स, सही भी डॉक्यूमेंट के साथ बैठिएगा, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। फॉर्म भरते टाइम अगर आपको ज़्यादा देर हो जाती है तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, सभी डिटेल सही से फिल करिएगा। मैं सही से सभी डिटेल को फिल करता हूँ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर, करेक्टर, ठीक है, और एक आपका स्पेशल करेक्टर, सभी कुछ होना चाहिए। पासवर्ड करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, सिक्योरिटी पिन डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि आप जो पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड को एक बार अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक काउंसलिंग के दौरान तक ही आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो पासवर्ड को सही से ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी डाल रखी है और मोबाइल नंबर जो मेंशन कर रखा है, उन दोनों पर एक ओटीपी आएगा। तो उन दोनों में से किसी एक का ओटीपी आपको यहाँ डालना है। ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर का लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि आगे स्टेप में मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले आपको ओटीपी डालने के बाद पिन डालिएगा, उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटेड है, बाकी आपकी डिटेल इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, देखिएगा, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा छात्रों को प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले नीचे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे कॉर्नर में, कि आपके सामने मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन वेरीफाई करना है आपको ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो गया, लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। आपको ईमेल आईडी वेरीफाई पर क्लिक करना है, ठीक है, वेरीफाई योर ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आएगी। यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन हो रखी है
उस ईमेल पर आपका एक ओटीपी जाएगा, तो सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, उस ईमेल पर एक ओटीपी गया होगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी डालिएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई पर जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैसेज आया कि योर ईमेल आईडी हैज वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर में देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है दोनों ही वेरीफाइड हो चुके हैं। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा छात्रों को दिक्कत आई थी, तो इस बार आपको वेरीफाई दोनों ही कर लेने हैं, ठीक है। तो फाइनली इस बार वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होने के बाद अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को आगे फिल करते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरनी है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बहुत ही ध्यान से अपना फॉर्म भरना है। यहाँ पर सबसे पहले जेंडर आएगा जो कि आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर आएगा, नेशनलिटी इंडियन आएगा, रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, हिंदू, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैन माइनॉरिटी के तो जैन यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी, मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो उसकी कैटेगरी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस, अन्यथा नो करिएगा। उसके बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि डू यू वांट टू एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, क्या आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो यस करेंगे, नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर नो करना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिल क्वालिफिकेशन डिटेल पर भरी जाएगी। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिटेल भर के बता देता हूँ, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने पूरी डिटेल फिल कर लिया, और मैं आर्म्ड जिस छात्र का फॉर्म भर रहा हूँ मैं उस वो आर्म्ड कॉलेज में नहीं जाना चाहता है FMC में, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। तो मैं अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कंफर्म करना है यस और नो कि आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर भरनी है, 12th की डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो 12th की डिटेल में आपको स्कूल और स्टेट में जो भी है आपको वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद अदर स्कूल स्टेट वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने सब कुछ सिलेक्ट यहाँ पर कर चुका हूँ। पासिंग स्टेटस क्या है, क्या आप क्वालिफाइड हैं या अभी अपीयरिंग है, वो यहाँ पर बताना है। तो पास्ट है बच्चा, पासिंग ईयर क्या है वो यहाँ पर डालनी है, रोल नंबर क्या है वो यहाँ मेंशन करना है, ठीक है, क्लास 12th पासिंग स्टेट किस स्टेट से उसने 12th पास किया है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। स्कूल नेम क्या है वो यहाँ पर मेंशन करना है, स्कूल का पिन कोड यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी पास्ट या फील्ड वो यहाँ पर स्टेटस बताना है, साथ ही कितने में से कितने मार्क्स हैं वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको प्रीवियस और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको प्रीवियस भी करके देख सकते हैं आपने कोई डिटेल गलत फिल कर दी हो, अन्यथा उसको आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन ये डिटेल आपको बहुत सही से भरनी है, कोई भी डिटेल यहाँ पर ध्यान रहे कि गलत ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बच्चों की ये रहेगा कि सर यहाँ पर हम जो स्कूल और स्टेटस जो 12th की फर्स्ट है यहाँ पर जैसे मैंने अदर क्लिक कर रखा है, तो अदर पर यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, क्या क्या हम सिलेक्ट करना है, अदर पर क्यों टिक किया है आपने। तो यहाँ पर आपको कुछ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपने दिल्ली वगैरह से जामिया से क्वालिफाई कर रखा है 12th वगैरह, तो आपको यहाँ पर जामिया का डालना है, ठीक है, NCT ऑफ दिल्ली अदर, ठीक है, वो यहाँ पर कर रखा है तो यहाँ से आपको भरना है। EMU, ठीक है, जो कि अलीगढ़ AMU से अगर आपने 12th कर रखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर यार नहीं किया तो आपको सीधा सा अदर पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये सभी डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट काउंसलिंग में आपको किस किस में काउंसलिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। उसके बाद आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था नो वहाँ कर रखा है इस बच्चे ने, ठीक है, जो नो बच्चा क्योंकि आर्म्ड फोर्स में वो नहीं करना चाहता वहाँ से कोर्स, ठीक है, तो मैंने वहाँ नो किया था, तो वहाँ यहाँ पर नो का ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, BSc नर्सिंग, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ओपन सीट, एम्स, ठीक है, एज पर एम्स एलिजिबिलिटी, BHU ओपन, AMU ओपन, जिपमर ओपन और जामिया ओपन, ठीक है। इनमें से आप जिसमें भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आगे आपको टिक करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद ओपन सीट्स मैं यहाँ पर टिक करूँगा, ठीक है। तो
तो अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी भी कर सकते हैं। डीम्ड पर अगर आप टिक करेंगे तो डीम्ड की जो फीस है 2 लाख रुपए लगती है, वो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी ओपन सीट यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको 2,05,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 5,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, 2 लाख रुपये इसका सिक्योरिटी मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 2,05,000 जमा करना पड़ेगा। अगर आप डीम्ड पर टिक नहीं करते हैं तो जो बच्चा के अभी मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो एससी कैटेगरी का बच्चा है, उसकी 5,500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, तो मैं वो बच्चा बोला है मेरे को कि सर मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी पर नहीं जाना है, मुझे केवल ओपन सीट और ऑल इंडिया कोटा की सीट ही फिल करनी है। ठीक है, तो मैं इसको डीम्ड को हटा देता हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है डीम्ड को हटा दिया है। अब आपको 5,500 रुपये जमा करना पड़ेगा। 5,000 इसलिए है क्योंकि ये एससी का बच्चा है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्टूडेंट होते तो आपको 10,000 रुपये यहाँ पर देना पड़ता, 10,000 और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी, 11,000 रुपये टोटल देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एससी का बच्चा तो 5,500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टिक करने के बाद जिसमें आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको करनी है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फिल कॉन्टैक्ट डिटेल पर आ चुका हूँ। फिल कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस केवल भरना है। ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर नीचे बॉक्स दिख रहा होगा आपको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो इस पर आपको बॉक्स पर टिक कर देना है। आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप प्रीव्यू फाइनल सबमिट पर करेंगे तो वहाँ पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट कर लीजिएगा क्योंकि वो बच्चा स्वयं पेमेंट करेगा, इसलिए मैं उसकी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट पर पूछ सकते हैं। अभी इसकी चॉइस फिलिंग नहीं की जा रही है, तो चॉइस फिलिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, जो जो मैंने आपको उसमें बताया है वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर गलती बाद में होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो बाद में जो है एमसीसी एक करेक्शन विंडो ओपन करेगा, वो करेक्शन विंडो के थ्रू आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।